हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इस वीडियो में हाउ टू टाइटन योर स्किन नेचुरली। गाइज, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ही स्किन लूज होने का एंड स्किन में रिंकल आने का प्रॉब्लम कॉमन है। वैसे तो बहुत सारे रीजंस होती है स्किन लूज होने के पीछे या फिर स्किन में रिंकल आने की, बट जिनकी एजिंग की वजह से स्किन में रिंकल आती है वो नेचुरल प्रोसेस से इसे हम रोक नहीं सकते हैं। बट हाँ, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करके इसे हम ज़रूर स्लो डाउन कर सकते हैं। बट जिनका प्रीमेच्योर स्किन लूज हो जाते हैं उनका स्किन लूज होने के पीछे ये रीज़न होती है कि उनका स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाती है एंड स्किन में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो पाते हैं। बट हम सब चाहते हैं कि हमारा स्किन ग्लोइंग दिखे, टोन दिखे, यंग दिखे। इसलिए जिनको स्किन में रिंकल आ जाती है या फिर स्किन लूज हो जाती है वो ना जाने क्या क्या केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं स्किन को ठीक करने के लिए, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है एंड लॉन्ग रन में ये स्किन में बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। बट गाइस, मैं कहूँगी कि हम क्यों इतना एक्सपेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट करवाए जब नेचर ने हमें इतने अच्छे अच्छे चीज़ें दी है जिसे अप्लाई करके हम जल्द से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी ऐसा एक होम रेमेडी जो बिल्कुल नेचुरल है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कम से कम इंग्रेडिएंट यूज़ करके हम कैसे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स अगर ज़्यादा हो तो इसे हम कलेक्ट करते करते ही थक जाते हैं, फिर रेमेडी ट्राई नहीं कर पाते। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम रेमेडी देखते हैं। मैं जो एंटी रिंकल फेस मास्क आज शेयर करूँगी इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट। पहले मैं ऐड करूँगी एग का जो व्हाइट पार्ट होता है वो मैं यूज़ करूँगी, येलो पार्ट को आपको यूज़ नहीं करना है। एंड देन मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन का फ्यू ड्रॉप्स यूज़ करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है। अब मैं इस बोल में एग व्हाइट को ले लूँगी, आपको सिर्फ एग व्हाइट ही लेना है बस। देन मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड करूँगी, आपको एग व्हाइट एंड लेमन को अच्छे से मिक्स करना है अंटिल इट बिकम फोमी इन टेक्सचर। एग व्हाइट में विटामिन एंड प्रोटीन है जो स्किन से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड स्किन को टाइटन एंड हेल्दी बनाने में हेल्प करती है। एंड मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड किया, लेमन जूस में ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है, ये स्किन को फेयर एंड ग्लोइंग बनाता है। एंड लेमन में पाया जाता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी। विटामिन सी एक बहुत ही इफेक्टिव एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। गाइस, एग व्हाइट बेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट है स्किन को टाइटन करने के लिए। बट हाँ, इससे ज़रूर बैड स्मेल आती है, लेकिन इसके साथ अगर आप लेमन को ऐड कर लोगे तो इसका स्मेल थोड़ा कम हो जाता है। मैं जो ये मिक्सचर को प्रिपेयर किया इसको आपको वीकली 3 डेज यूज़ करना है, बट नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो अगर आप उसके डेली भी यूज़ करोगे तो इसका कोई हार्म नहीं है। बट मैं अब इसे अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज इसे अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे स्किन में इतना रिंकल नहीं है। मैं अब इसे अप्लाई भी करूंगी तो आपको स्किन में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। तो गाइस, इस पैक को आपको फेस में अप्लाई करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देन आफ्टर 15 मिनट जब ये सूख जाएगा तब आपको प्लेन वाटर से इसे क्लीन कर लेना है। कुछ ही दिन इस फेस पैक को अप्लाई करने से अगर आपका स्किन में रिंकल है तो वो बहुत कम हो जाएगा एंड स्किन बिल्कुल टोन दिखेगा। तो गाइस, इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना एंड इसका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, आई विल डेफिनेटली आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेन आई अपलोड माय फ्यूचर वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।